आप सिर्फ इस डायरी में ना डेट पे ध्यान दें, ये डेट। अब इसमें ये क्या है या फिर ये सब क्या है, इसकी बात अभी हम करेंगे कंटिन्यू। तो मुझे बाहर तो आना ही था, मुझे लगा अब कब तक घर में बैठ के वीडियो बनाएंगे, थोड़ा बाहर चलते हैं और बाहर जाके थोड़ी सी बात की जाए। अब मुझे बात ये करनी थी कि मुझे एक जॉब का ऑफर आया, उस जॉब ऑफर में इट्स नॉट लाइक 9 to 5, तो ये जो आपने देखा इसका एक कहानी से लिंक है। वो लिंक है कि मुझे एक किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो टीच करते हैं वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि क्या आप टीच करना चाहोगे। अब वो हो गया रेगुलर बेसिस पे आपको डेली टीच करना है या फिर 5 days a week या जो भी उनका स्ट्रक्चर है। अब मुझे जॉब करना इतना पसंद नहीं है कि आई कांट वर्क इन सम बाउंडेशंस कि आपको इतने से इतने बैठना है। देन मैं कहा यार नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा जॉब, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, बिकॉज मेरी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं एकदम बढ़िया। लेकिन फिर उनका फिर से कॉल आया तो मैंने कहा आप एक बार आप पहले बता दो आपका क्या स्ट्रक्चर है, क्या आप फॉलो करते हो, कैसे क्या करना है ना। तो फिर उन्होंने मुझे अपना पूरा समझाया तो उन्होंने कहा कि आपको दिन के सिर्फ 3 या 4 घंटे देने हैं। तो दिन के 3 घंटे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि 3 घंटे तो दे ही सकते हैं। 3 घंटे से अच्छी बात ये थी कि आपको दिन में किसी भी टाइम 3 घंटे देने हैं। तो मैं कहा ओहो नाइस, ये तो बढ़िया बात है, ये तो शायद शायद कर सकते हैं, अभी भी शायद है, मतलब कन्फर्म नहीं कि कर लेंगे शायद। फिर उन्होंने मुझे एक अमाउंट बताया कि आपको महीने का ये अमाउंट हम दे सकते हैं, जो कि एक बुरा अमाउंट मुझे नहीं लगा। यहाँ इन्होंने सफाई अभियान शुरू कर दिया है तो मुझे लग रहा है कि अगली बार थोड़ी आगे जाके की जाए, तो आगे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हो सकता है आपको थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ रही है क्योंकि मैं बाइक भी चला रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे एक अमाउंट बताया, मैंने कहा ये अमाउंट तो बुरा नहीं है, दिन के 3 घंटे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जो जो उन्होंने बताया वो मुझे सब आता था एक्सेप्ट वन थिंग विच इज़ स्टाफ नोटेशंस। अब स्टाफ नोटेशंस बेसिकली क्या होता है कि आपको मतलब म्यूज़िक शीट होती है, जो म्यूज़िक शीट्स होती हैं वो आपको रीड करनी होती हैं, म्यूज़िक नोट्स रीड करने होते हैं। जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ये मैंने 2014, आपने डेट भी देखी, मैंने तब 2 क्लासेस ली थी कि म्यूज़िक को कैसे लिखते हैं, बहुत 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 बेसिक। तो मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्योंकि पैसे वैसे थोड़ी थोड़ी महंगी क्लास होती है, वेस्टर्न क्लास थोड़ी महंगी होती है। अब मुझे वो टीच करना है, समझ रहे, पहले मैं क्लास लेता था, अब मुझे वो टीच करना है तो थोड़ा महंगे ही चार्ज होंगे। ऐसे सस्ते वाली कोई सीन नहीं है यहाँ पे, सस्ते वाला कोई भी गेम नहीं है। इसके अलावा मुझे एक बात ये समझ में आई कि भले ही मैंने 2 क्लास ली हूँ लेकिन मुझे लगा कि ज़िंदगी में जो भी आपका दिन आता है वो कहीं ना कहीं जाके जुड़ता जरूर है। स्टीव जॉब्स साहब का एक इंटरव्यू है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप देख लेना, कनेक्टिंग डॉट्स। तो आपकी लाइफ में जो जो घटनाएं घटी हैं वो कहीं ना कहीं जाके आपके आगे जुड़ जाएंगी, वो आपको पता नहीं होगा कि कब जुड़ने वाली हैं। अब क्लास के लिए बहुत लेट हो रहे हैं, कैमरा भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, हेलमेट डाल लेते हैं क्योंकि अब रोड पे आ रहे हैं, वहाँ से बाहर निकल गए। तो हम बात करते हैं स्टीव जॉब की, स्टीव जॉब साहब की। वो ये थी कि उनका ये कहना है कि आपके जीवन में ये घंटियाँ बहुत बज रही है। एक तो यार मैं अंदर जाके बात करूँगा, ये हो नहीं पाएगी बात यहाँ पे। पूजा का वक्त हो गया ना, तो लोग तो अपने, लोगों को थोड़ी पता है कि हम वीडियो बना रहे हैं, ये तो हम बना रहे हैं, लोग तो अपने काम करेंगे ना भाई। कल की जो मैंने बात छोड़ दी थी स्टीव जॉब भाई साहब, वो मैं तीसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी मैं हूँ कालका जी में और ये व्लॉग अब मुझे ख़त्म करना है क्योंकि मैं 4 बार ट्राई कर चुका हूँ, ये ख़त्म होने में नहीं आ रहे। स्टीव जॉब भाई साहब का ये कहना था कि आप जब जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हो तो आपकी जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, अच्छी बुरी, बहुत अच्छी बहुत बुरी जो भी हैं, कुछ टाइम बाद आपको जाके समझ में आती है। बस आई थिंक मैंने सही बोल दिया। और अभी मैं कालका जी में क्यों हूँ उसका एक रीज़न है,
अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा उसका, मैंने बात की थी कि मैं फिल्मोरा को शिफ्ट कर रहा हूँ किसी और सॉफ्टवेयर में। अब क्योंकि मेरा लैपटॉप पुराना है तो उसमें एडोबी प्रीमियर चलता नहीं है अभी, मैं भी किसी के घर आया हूँ 2-3 वीडियोस 4 वीडियोस एडिट करने के लिए एडोबी में। अगर वो वर्कआउट होते हैं जो मैं सोच रहा हूँ, देन आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि मैं एडोबी में काम कैसे कर सकता हूँ। बस ये बताना था। तो ये वाली वीडियो अब ख़त्म हो गई है, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।